हेलो लोइट, गुटन टाक, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम खड़े हैं रेगन्सबुर्ग हाफबानों पे। आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े फेस्ट में, जो कि है अक्टूबर फेस्ट। सारे लोग एक ही जैसे ड्रेस पहन के अक्टूबर फेस्ट में जा रहे हैं। पूरी ट्रेन इधर ही खाली हो रही है और ये पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत बढ़िया है। ये देखो, पुलिस भी देख सकते हो, सारे एक जैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब ट्रेडिशनल ड्रेस में और सभी एक ही जगह जा रहे हैं। सारी ट्रेन यहाँ पे खाली हो जा रही है, मतलब क्या बात है भाई। वेयर इज द मेन एंट्रेंस? ओके, दिस साइड। सो पूरा रास्ता बंद कर दिया है इन लोगों ने, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और सभी जगह पुलिस और रास्ता दिखा रहे है। मेरे पीछे जो टॉयलेट है, ये यूज़ करने का हमने 1% का 1 यूरो दिया है। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा है ये। 100 रुपया भाई, 100 रुपया। पैसा खत्म हो गया तो हम पैसे लेने आए थे एटीएम से। कितना है भाई? 100 यूरो है। सो हम अंदर एंट्रेंस पे गए तो उन लोगों ने बोला कि बैग अलाउ नहीं है, बड़ा बैग। तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि जब भी आप अक्टूबर फेस्ट विजिट करने आ रहे हो तो बैग मत लेके आओ। एक बैग रखने का 7 यूरो दिया है। फाइनली ये मोमेंट आ गया है, हम अंदर जा रहे हैं अक्टूबर फेस्ट के। बियर के डोम है, ऐसे अक्टूबर फेस्ट में पूरे अक्टूबर फेस्ट 14 बियर के डोम है, अलग अलग ब्रांड के। ये है एक डोम है,
इसमें मतलब पूरा फुल हो गया है, तो सिक्योरिटी ने बोला आप अंदर नहीं जा सकते। इधर स्टॉप का बोर्ड लगा दिया है। ये मुनसन की फेमस ब्रांड है बियर की। हम इस राइड में जाने का सोच रहे हैं अभी, रोलर कोस्टर। तो ये वाली राइड में तो बहुत सारी भीड़ है, एक दो घंटे का मतलब वेटिंग है। तो हम ये राइड में जा रहे हैं ताकि आपको ऊपर से पूरा अक्टूबर फेस्ट का व्यू दिखा सके। तो ये राइड अभी चालू हो गई है, तो हम इसकी टिकट लेके ऊपर जाते हैं। भाई लिटरली फट रही है इसमें जाने से, लिटरली इसमें जाने से फट रही है। ये राइड सबसे लास्ट में चालू हुई है और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, मतलब डेढ़ दो घंटे की लाइन है। हम अच्छा हुआ कि जब स्टार्ट हुई तभी से हम लाइन में खड़े रह गए थे, तो हमारा 15 मिनट में नंबर आ गया। भाई भाई पूरी
हालत खराब हो गई भाई। Yes bro. Yes. Yes. खाने आए हैं सब्वे में, तो क्योंकि अंदर अक्टूबर फेस्ट में तो कोई वेज ऑप्शन ही नहीं है खाने के लिए, इसलिए इधर अपने पेट पूजा करने के लिए आए हैं। कि हमने 4-5 डोम घूमे लेकिन एक भी डोम में एक भी टेबल खाली नहीं था। और इतना फेमस फेस्टिवल है कि इतने बड़े बड़े डोम में एक भी टेबल खाली नहीं है। आपने वीडियो में देखा होगा कि पूरा डोम पैर रखने की जगह नहीं है डोम में। और हमने ट्राई की बियर पीने की, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि मतलब टेबल में बैठो फिर आपको बियर देंगे, तो बिना बियर पिए ही अक्टूबर फेस्ट से बाहर जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। ये फेस्टिवल खत्म होते होते लगभग कितने 6 मिलियन लोग विजिट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इटली, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। बट मिलियंस ऑफ यूरोस का यहाँ पे बिजनेस होता है, और वो भी पूरा कैश में मतलब। और आप जब भी यहाँ आओ कैश लेके आओ, इधर कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा अंदर। और अंदर के जो एटीएम है उसमें टैक्स ज्यादा लगता है। टैक्स ज्यादा लगे, आप मतलब बैंक के एटीएम से कैश निकाल के आओ, आप लग मतलब 20 यूरो निकालेंगे तो आपको 25 या 30 यूरो पे करना पड़ेगा बैंक वालों को, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा है कि आप कैश ही लेके आओ तो आपको भी अंदर अच्छा रहेगा। अक्टूबर फेस्ट का जो प्लेस है उसके आजू बाजू के मतलब 2 किलोमीटर के एरिया में इन लोगों ने नाकाबंदी कर दी है। हर जगह पुलिस, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इन लोगों ने। देखो पीने के बाद ऐसे ही सो गए लोग। ये गार्डन है सामने, तो टुडे वी ट्राई अवर बेस्ट टू शो एवरीथिंग अबाउट अक्टूबर फेस्ट। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। पॉसिबल हुआ तो कल हम फिर से अक्टूबर फेस्ट में आके टेबल लेने की ट्राई करेंगे और बियर पिएंगे।